बागली तहसील अंतर्गत रविवार के दिन दो अलग अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। बागली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर धन तालाब घाट के पास संस्कार ढाबे के सामने नेमावर तरफ से आ रही यात्री बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार चालक और पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सुनील पिता हरिओम 20 वर्ष और दिनेश पिता रमेश चंद्र 20 वर्ष दोनों निवासी ग्राम शुक्रवास तहसील नसुलागंज जिला सीहोर की मृत्यु हो गई है। दोनों युवक होली पर्व पर इंदौर से अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने यात्री बस को अभी अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। घटना के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल बागली लाया गया, जिस दौरान मृतक को जेब से निकले आधार कार्ड परिचय पत्र के माध्यम से दोनों की पहचान की गई। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। इसी दौरान बागली थाना अंतर्गत बागली चौरागवाड़ी मार्ग पर दो बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल बागली लाया गया। बागली से रवि पटेदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।